हेलो एवरीवन चलिए तो आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो हम लोगों ने वीडियो पोस्ट किया था उसमें कुछ बच्चे ने कमेंट्स भी किया है एक क्वेश्चन आया है 7.2 का है ना एन सी आर टी का क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड उसके बाद इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज सर्किल सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देखें है ना दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है ना ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है है ना तो इसको एकदम ध्यान से देखना है इसमें मैंने आपको उस लास्ट वाले वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि सेक्शन फार्मूला जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आता है तो ये हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी कॉर्डिनेट uh, ज्योमेट्री से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है

ना एक ही वीडियो में पूरे जो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग उसको पहले पूरा देख लें तभी ये क्वेश्चन के ऊपर आपको इंटरेस्ट आएगा तो इस चैप्टर में हम लोग सर्किल भी स्टार्ट करेंगे तो चलिए सबसे पहले है ना इस क्वेश्चन को देखें ये क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज 7.2 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वी वी कर लीजिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लू है ना सबसे पहले ये क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों के सामने बुक भी होगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरलेलो है है ना पैरलेलो है है ना पैरलेलोग्राम में बेसिक कॉन्सेप्ट पैरलेलोग्राम का हमको चाहिए होगा है ना मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए मैथ्स में बेसिकली जो भी क्लासेस हम लोग जूनियर में पढ़े होते हैं उन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता इसमें होती है है ना तो एक ग्रामर की तरह आप इसको मैथ्स को ले सकते हैं कि यानी आप जूनियर क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब का कहीं ना कहीं जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं उसमें उसकी जरूरत होती है तो ये हमारा क्या है बच्चों सबसे पहले पैरलेलोग्राम है पैरलेलोग्राम का मतलब हम सब जानते हैं कि का मतलब होता है जिसका अपोजिट साइड पैरल होता है एंड इक्वल होता है है ना इसका जो डाइगोनल होता, होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है यानी ये ये बराबर होगा और ये, और ये बराबर होगा अगर ये डायगोनल BD और एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट पे कर रहा है, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेकट करेगा यानी हाफ हाफ में डिवाइड करेगा तो यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ई इज इक्वल टू ओ सी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों हम सब ने एक आ, पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि जब भी कोई एक लाइन को जब भी कोई एक लाइन को जब भी कोई एक लाइन को यानी P अगर मिड पॉइंट हो जाता है आधा आधा में बांटता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट था इसका जो कोऑर्डिनेट था यानी इसको हम लोग मिड पॉइंट कह सकते हैं चूंकि बराबर बराबर में बांटा है तो इसको हम लोग मिड पॉइंट कह सकते हैं और इस मिड पॉइंट का जो सेक्शन है इसका जो कॉर्डिनेट है एक्स एंड वाई इसका निकालने का मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बेसिकली वो फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप उसको फॉर्मूला के तरह डिजाइन कर सकते हैं और वो क्या था दैट इज एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई टू प्लस वाई वन बाई टू ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेसिकली लोग बनाते हैं लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन uh, डिस्कस किया था उस पर मैंने रेशियो पे बताया था ये कैसे आया है आई थिंक सब लोगों को पता होगा लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं मैंने आपको बताया था कि जब भी ये पी का अगर कॉर्डिनेट निकालना है यानी इस पॉइंट का कॉर्डिनेट निकालना है तो इसका रेशियो हमें पता होना चाहिए यानी ए पी बाई पी सी हमें पता होना चाहिए यानी कितने टुकड़े में बटा ये, दो टुकड़े में बांटा है यानी ये जो पॉइंट है वो एसी को कितने पार्ट में बांटा है दो टुकड़े में एपी एंड पीसी तो इसका रेशियो हमें पता होना चाहिए तो इसका रेशियो हमने क्या लिया था एम बाई एन लिया था लेकिन चूंकि ये P इस AC को आधा आधा में बांटा है तो ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा यानी वन बाई वन हो जाएगा तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन तो एम और एन कितना है वन वन है तो एम प्लस एन जो लास्ट डिनोमिनेटर में आता है फॉर्मूला के तो एम प्लस वन एम प्लस एन जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन दैट इज टू तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट के लिए हम लोग इसको यहीं से निकालेंगे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है यानी जो भी पॉइंट हम लोग को आधा आधा में बांटता है वो पॉइंट का जो मिड पॉइंट है यानी ये पॉइंट पी जो होगा मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है वन बाई वन होता है तो जब आप एक्स का यानी इस पॉइंट का मिड पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन फॉर्मूला पर रखेंगे तो यही दोनों आएगा तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोगों को यहां पे इस्तेमाल करना है ए का कोऑर्डिनेट आप लोगों का पहला अपने मन से ले सकते हैं A का कोऑर्डिनेट हो गया वन एंड टू है ना ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका फोर एंड वाई एंड सी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है दैट इज एक्स एंड एक्स एंड सिक्स आप ऐसे भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आप इधर से लो इधर से लो कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे तो ए बी सी एंड डी ऐसे में लेना है, नहीं तो अगर कहीं भी अगर ऐसे नहीं हो जाएगा आप सीक्वेंस में लेंगे जब भी कोई भर्टिसेस दिया जाता है तो वो सीक्वेंस में होता है तो ए काट वन टू एंड बी काट फोर वाई सी का लास्ट कॉर्डिनेट इज ऑल्सो थ्री एंड फाइव क्लियर है तो हमने पैरलोग्राम के कोना का, का कोऑर्डिनेट ले लिया ए बी सी एंड को देखें तो ये मेरा जो ओ है वो इसको हाफ हाफ में बांट रहा है यानी ओ जो है वो बी डी का क्या है मिड पॉइंट है तो यानी फॉर द लाइन फॉर द लाइन फॉर द लाइन बी डी आपका ओ क्या हो गया ओ इज मिड पॉइंट ओ इज

इंडिकेट कर सकते हैं तो इसका इंडिकेशन आप कुछ भी है ना आपको तो आप इसका ले सकते हैं या जैसा आपका मन करे एम और एन जो भी आपको सीक्वेंस में लेने का मन करे ना पी एंड क्यू कुछ भी लेने का मन करे तो अभी यहां पर हमने क्या किया इसका कॉर्डिनेट सॉरी इसका कोऑर्डिनेट दूसरा चेंज कर लीजिए आपको थोड़ा सा सुविधा होगा बी डी में क्या हो जाएगा, जाएगा? यानी इसका बी डी का बी डी मैंने आपको सिखाया था कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये मेरा सेकंड पॉइंट है तो बी डी का हम लोग कैसे लेंगे तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यानी थ्री प्लस फोर बाई टू थ्री प्लस फोर बाई टू एंड अगर हम Q निकालते हैं Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा Q का कोऑर्डिनेट यानी इसका Y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तो ये BD है तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे दैट इज वाई प्लस फाइव बाई टू है ना कैसे आया समझ में आया यानी ये जो मिड पॉइंट है यानी ओ जो है वो बी डी के लिए मिड पॉइंट का काम कर रहा था तो अगर हमको ये पॉइंट निकालना है ये अभी हमारा एक्स को इंडिकेट कर रहा है तो यानी पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे इसका एक्स और इसका एक्स को जोड़ के बाई टू एंड क्यू को निकालना है तो फिर इसका और इसका यानी ये दोनों का जोड़ के बाई टू इसी फॉर्मूला पे बन रहा है तो यहां पर हमने पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लिया अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे अगेन फॉर अगेन फॉर इस लाइन में आते हैं फॉर लाइन फॉर द लाइन फॉर द लाइन फॉर द लाइन एसी अगेन एसी के लिए फिर ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ओ इज अगेन मिड पॉइंट ओ इज अगेन मिड पॉइंट तो फिर यहां के अकॉर्डिंग अब हम बी डी नहीं देखेंगे ए सी देखेंगे तो ए सी लाइन के लिए भी पी हमारा निकलेगा तो यानी पी के लिए अब फिर क्या लिखेंगे यहां पे ए सी तो मैंने कल भी लास्ट uh, वीडियो में मैंने आपको बताया था ए सी में फिर आप क्या करेंगे ए सी है तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दिस इज द सेकेंड पॉइंट तो यहां पर ए सी में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन यानी पी के लिए क्या करेंगे एक्स प्लस वन बाई टू एंड सी uh, के लिए क्या करेंगे सॉरी क्यू के लिए क्या करेंगे क्यू के लिए क्या करेंगे फिर सिक्स प्लस टू यानी सिक्स प्लस टू बाई टू Killer है अब एक चीज यहां पे गौर से देखिए आपने इसके अकॉर्डिंग भी पी का वैल्यू निकाला और इसके अकॉर्डिंग में, निकाला, निकाला। तो में कहा था कि एवरी पॉइंट तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी और ये पी अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए तो इस दोनों को इक्वल करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यानी थ्री प्लस फोर बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू एंड क्यू और ये क्यू भी सेवल टू सिक्स प्लस टू बाई टू तो यहां पर क्या हो जाएगा टू 2 2, तो 2 से टू कैंसिल एंड फोर थ्री कितना हो जाएगा सेवन एंड वन इधर आ जाएगा यानी सेवन माइनस वन ये एक्स का वैल्यू हो गया यानी एक्स इक्वल टू सिक्स एंड यहाँ क्या होगा टू से टू फिर से कैंसिल यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू एट तो वाई इज इक्वल टू कितना थ्री यानी आपका यहाँ पर क्या निकल गया एक्स इक्वल टू सिक्स यानी आपने पी के जगह पी के जगह एक्स को लिया था तो ये क्या हो जाएगा हमारा दैट इज सॉरी हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना था इसका तो यहाँ x के जगह क्या हो जाएगा यानी सिक्स एंड सिक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड फोर एंड थ्री जगह क्या हो जाएगा दैट इज दैट इज फोर एंड थ्री तो बच्चों एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेकिन इसमें आपको दिमाग में रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो पैरलोग्राम है उसका जो डाइगोनल होता है वो आधा आधा में बांटता है तो ए के लिए भी ओ हमारा क्या होगा मिड पॉइंट होगा एंड बी के लिए भी ओ हमारा क्या होगा मिड पॉइंट होगा चूंकि यहां एक्स और वाई वेरिएबल पहले से नाम यूज किया हुआ है इसलिए हमने ओ का कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू ले लिया है ना अपने मन से ले लिया ताकि आपको इक्वल करने में आसानी होगा तो एक बार हमने बी डी लाइन के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा कि ओ का कोऑर्डिनेट निकाला उसके बाद एसी लाइन के लिए भी ओ हमारा मिड पॉइंट है तो ओ के लिए यानी एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा तो यानी ये पी और ये पी देखिए इक्वल आ रहा है तो यानी इधर का भी इक्वल होगा ये क्यू और ये क्यू इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा इसको इक्वेट करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया क्लियर है आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा है ना एक बार इसको आप खुद से भी ट्राई करिएगा मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसा इसमें कि समझ में नहीं आया हो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों तो आप इसी प्रकार से जिस किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे जरूर मेंशन uh, करें है ना कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें ताकि हम लोग फिर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाए तो उसमें आपकी प्रॉब्लम uh, को हम लोग पहले डिस्कस करते हुए चलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अब हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ दैट इज सर्कल सर्कल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना सर्कल के लिए दिमाग में रखना है कि सर्कल में हमारे लिए Uh, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल में वो है हम लोग का दैट इज द टेंजेंट दैट इज द टेंजेंट है ना तो आज हम लोग फिर एक वीडियो के अंदर पूरा लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी कंटिन्यू एक ही चीज़ रहती है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर है ना ताकि आपको क्वेश्चंस जो है बेसिक uh, चीज समझ में आए और बेसिक चीज जब आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है अभी हम लोग को देखना है दैट इज सर्कल सर्कल में ध्यान से समझना है बच्चों कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पहले मेंशन करेंगे जैसे सर्कल की बात करें है ना सर्कल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन है ना आना एकदम तय होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज सर्कल सर्कल हम सबको पता है कि सर्कल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सी एंड ओ एंड आर यानी सी फॉर सर्कल फॉर सेंटर एंड आर फॉर रेडियस इस तरीके से हम लोग किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा इसको वाइंड uh, अप करें बहुत ही फास्ट हम लोगों को करना है पूरे एक वीडियो को पूरे लास्ट तक हमेशा देखिए पूरे वीडियो को तो यहाँ पर एक चीज देखिए सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि टेंथ क्लास में सबसे ज्यादा टेंथ क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या है सर्कल में एंड दैट इज टेंजेंट तो टेंजेंट पर ही हमको फोकस करना है टेंजेंट क्या होता है बच्चों हम सब जानते हैं टेंजेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं स्पर्श का मतलब होता है टच है ना तो इसका अब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं ए लाइन विच टचेज ए लाइन विच टचेज ए लाइन विच टचेज touches a line which touches circle line which touches circle at one point at one point at one point from outside from outside right? Uh, इससे पहले जब हम लोगों के टाइम में जब सर्कल हुआ करता था उसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी इसमें एक सेकेंड का भी एक थ्योरम हुआ करता था टेंजेंट और सेकेंड के बीच का एक रिलेशन हुआ करता था लेकिन आप लोगों में वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं है ना आप लोगों में सबसे ज़्यादा फोकस है न टेंजेंट पर करना है ए लाइन विच टचेज सर्कल एट वन पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड टेंजेंट टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों आपने इसको फिजिक्स में भी देखा होगा फिजिक्स में नाइन्थ क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो टेंजेंट आपने नाइन्थ क्लास में ही सबसे पहला आपने इसको ध्यान से फिजिक्स में सुना होगा जहां पर वर्क सॉरी जहां पे मोशन चैप्टर में आपने इसका सबसे लास्ट टॉपिक आया था सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन में आपको बताया गया था कि इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं क्योंकि इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो बदलता रहता है अभी जस्ट आप साइंस में जब हम लोग आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में तो मैग्नेटिक इफेक्ट में भी याद रखेंगे हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपका कोई सर्कुलर कर्व होगा जब भी सर्कुलर कर्व होगा तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपसे किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालने के लिए कहे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कर्व लाइन क्या होता है है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है तो अगर कर्व लाइन आ रहा है इसका मतलब एक सर्कल बनाना चाह रहा है तो अगर हमको इस पॉइंट पर किसी चीज का डायरेक्शन चाहिए तो हमको क्या करना होता है टेंजेंट ड्रॉ करना होता है बच्चों है ना तो ये साइंस मतलब मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स है ना तो याद रखना है कि ये टेंजेंट वर्ड आपने सबसे पहले है ना मोशन चैप्टर का नाइन्थ क्लास के मोशन चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन था उसमें आपने देखा होगा तो टेंजेंट का मतलब समझ में आया कि एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है एक पॉइंट पर छूता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं तो यहां पर एक चीज दिमाग में रखना है बच्चों कि अगर हमारा सर्कल सर्कल क्या होता है सर्कल पर क्या होता है इनफाइनाइट पॉइंट होता है सर्कल पर क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल पर क्या होता है इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी आपसे पूछा जाएगा कि सर्कल में अंदर में चूंकि आपको पता है कि सर्कल के सर्कल को हम कितने पार्ट में पहले बांट सकते हैं है ना ये बेसिक चीज है सर्कल को कितने पार्ट में बांट सकते हैं सर्कल को हम लोग कितने पार्ट में बांट सकते हैं सर्कल को हम लोग बेसिकली है ना तीन पार्ट में बांट सकते हैं ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया दिस इज इंटीरियर है ना सर्कल के बाहर बाहर क्या हो गया This is exterior, है ना एंड सर्कल का जो ये लाइन है बाउंड्री लाइन इसको क्या बोलते हैं दैट इज ऑन द सर्कम फ्रेंस ऑन द सर्कम फ्रेंस ऑन द सर्कम तो अगर हमसे कोई कहेगा कि बताओ इंटीरियर से बताओ इंटीरियर से इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझिए सर्कल के अंदर यानी पॉइंट अगर अंदर है तो टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं आप तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल बात है मैंने यहां डिफिनिशन में लिख दिया है वन पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड बाहर से टच करना है बाहर से टच करना है तो अगर ये पॉइंट अंदर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेंजेंट जो है जैसे ये ऐसे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड सेकेंड इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं सेकेंड यानी इंटीरियर पॉइंट से नो टेंजेंट यानी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता याद रखना है बच्चों यानी अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है और आपसे कोई पूछ रहा है क्या हम उससे टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे तो आप बोलेंगे नो यानी इंटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है फिर कोई पूछता है कि एक्सटीरियर से बताओ बाहर से एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो एक आपने यहां से ऐसे लेके टच कराया और एक यहां से टच कराया तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे एक्सटीरियर से तो आपको बोलना है 2 कितना है? तू बोलना है टू बोलना है यानी इंटीरियर से टेंजेंट एक्सटीरियर से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्कल के ऊपर टू एंड ऑन द फ्रेंस यानी सरकम पर अगर कोई एक पॉइंट है तो सरकम पर यानी एक पॉइंट पर याद रखेगा अगर सीधे को इस इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए अगर मैं कहूं कि सरकम पर यानी डायरेक्ट मैं आपको कहूं कि सरकम पर सरकम पर कितने होंगे तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट सर्कम फ्रेंस पर कितने होंगे इनफाइनाइट क्यों भैया क्योंकि सर्कल का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है यानी सर्कल कितने पॉइंट से बना हुआ है इनफाइनाइट से तो हर एक पॉइंट पे तो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको डायरेक्टली कोई पूछता है कि सरकम ड्रॉ कर सकते हैं तो आप सीधे बोलेंगे कि सरकमेंस का मतलब होता है कि का मतलब सर्कल की बाउंड्री एंड बाउंड्री में कितने पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो सरकम पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप लेकिन अगर कोई कहता है पॉइंट ऑन सरकमेंस पॉइंट ऑन सरकमेंस यानी यहां बात किसकी हो रही है एक पॉइंट की होती है ए पॉइंट ऑन सरकंरेंस ए पॉइंट ऑन सरकंफरेंस यानी सरकमफरेंस पर अगर कोई पॉइंट है यहां पे एक पॉइंट है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो दैट इज ओनली वन ओनली वन ओनली 1 इस बात को एकदम ध्यान से समझिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं सबसे पहले ध्यान में रखना है कि टेंजेंट क्या होता है बच्चों टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करता हुआ छूकर चला जाए उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट और सर्कल का मतलब होता है दैट इज सर्कल का मतलब होता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी इन फाइनाइट होते हैं सर्कल के ऊपर तो सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं सर्कल के तीन पार्ट्स, दैट इज इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कम अच्छा आपने नाइन्थ में एक और भी चीज पढ़ा होगा दैट इज सर्कुलर रीजन तो सर्कुलर रीजन में क्या होता है इंटीरियर एंड ऑन द सर्कम्फरेंस इंक्लूडिंग हो जाता है यानी ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों सर्कुलर रीजन में आएगा एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर तो तीन पार्ट हो गए एक्सटीरियर इंटीरियर एंड ऑन द सर्कम्फरेंस तो अगर इंटीरियर में कोई पूछता है कि अंदर में कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप बोलना है दैट इज दैट इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन साइड द पॉइंट कोई पूछेगा क्यों भैया क्यूं ऐसा पॉसिबल है तो आप बोलेंगे फ्रॉम द डिफिनीशन एज वी नो दैट द टेंजेंट हैज टू टच द सर्कल फ्रॉम द आउटसाइड सो इट कुड नॉट बी पॉसिबल टू जस्ट पास थ्रू द पॉइंट वट इट इज टेकन इन साइड द सर्कल इज नॉट पॉसिबल येट मतलब ये पॉइंट अगर अंदर है तो इससे कोई पॉइंट टच करेगा तो निश्चित सर्कल को काटता हुआ चला जाएगा तो वो टेंजेंट नहीं है दिस इज कॉल्ड सेकेंड तो एक्सटीरियर में कितने हो गए दैट इज टू यानी ये पॉइंट है तो यहां से इस सर्कल के ऊपर कितने होंगे टू एंड ऑन दर्कम्फ्रेंस में मैंने आपको कंफ्यूज कंफ्यूजन दूर कर दिया अगर हमसे कोई कहता है कि एक सर्कल के ऊपर यानी पूरे सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दैट इज इनफाइनाइट और उस सरकम पर अगर कोई एक पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है तो एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो आप बोलेंगे ओनली वन तो आई थिंक इस सब लोगों को समझ में आ गया होगा टेंजेंट के बारे में अब हम जल्द से जल्द आपको आ, इसके थ्योरम इसके जो प्रॉपर्टीज हैं है ना उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा इसका स्क्रीन ले लीजिए सभी लोग है ना चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज है ना जो प्रॉपर्टीज हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस वगैरह बनाना है है ना इसको थोड़ा ध्यान में देखना है ध्यान से समझिएगा और आपका जो एन का एक ही एक्सरसाइज है आई थिंक एक एक्सरसाइज है है ना तो उसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है कि उसका जो आई थिंक पेज नंबर मैं आपको बता दूं सर्कल में सॉरी सर्कल के आपके दो एक्सरसाइज दिख रहे हैं 10.1 और 10.2 तो 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दू की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्कल का या किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो उसका एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा बच्चों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि एग्जाम्पल बेसिकली एनसीईआरटी की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसके एक्सरसाइज भी का क्वेश्चन अलग होता है और एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन अलग होता है तो प्लीज एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला कुछ प्रॉपर्टी पहले इंडिकेट कर दें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है है ना प्रॉपर्टीज में आइए सबसे पहले प्रॉपर्टीज जिस पर आपका क्वेश्चन बनना है यही हमारा बेस होगा यही हमारा बेस होगा तो हर प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान समझिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे कि जहां पर जहां पर जहां पर कोई टेंजेंट टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट मतलब जिस पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर टू द सेंटर टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक टेंजेंट है और ये सेंटर हो गया ठीक है तो कहां पर ये लाइन टच कर रहा है यहां पे P पे टच कर रहा है तो अगर आपने सेंटर से इस पॉइंट को एड कर मतलब सिर्फ जोड़ दिया लिंक कर दिया सेंटर से इस पॉइंट को लिंक किया तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा एकदम कन्फर्म है ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसी अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो निश्चित है आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो बना पाएंगे तो ये पहला प्रॉपर्टी है अगर आपने सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर और इस बात को प्रूफ करने के लिए मींस द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर इसके लिए नाइन्थ में एक थ्योरम हुआ करता था नाइन्थ में एक थ्योरम था बच्चों याद कीजिए द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन ठीक है तो ये थ्योरम को इसको प्रूफ करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक लाइन है और एक पॉइंट है तो यहां से बहुत

आपको पता है कि एक्सटीरियर यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट था तो आपका एक पॉइंट बाहर से जो हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका लेंथ इक्वल होगा यानी लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ टू टेंजेंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन है ना लेंथ ऑफ टू टेंजेंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल इज इक्वल ये बात याद रखनी है जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये सर्कल है है ना और ये आपका आउटसाइड पॉइंट है पी एंड यहां से आपने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया तो आपको याद रखना है कि लेंथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा ये सेंटर है हमारा एंड ये पॉइंट ऑफ टच है ये हमारा मान लीजिए Q हो गया एंड यहां पे हमने R ले लिया तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलोगे ये एक्सटीरियर पॉइंट से इसको आप लेंथ बोलोगे ना कि अब यहां से जो ये बढ़ता जा रहा है तो इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं बोल सकते बिकॉज आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिकॉज ये अभी हमारा एंडिंग नहीं है ये टर्मिनेटेड लाइन है जो कि इनफाइनाइटली तक जा सकता है तो ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं कंसीडर्ड होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन कंसीडर्ड होगा बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है ना लाइन का होता है और ना ही रे का होता है तो लाइन सेगमेंट कौन होगा दैट इज व्हिच हैज द टू पॉइंट्स तो PQ इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड PR इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सो द PQ इज इक्वल टू PR याद रखना है PQ और PR बराबर होगा तो बेसिकली अगर हम लोग का देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है दैट इज एक 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है तो ये टेंजेंट का बेसिकली हम लोग अब इसको अगर आप जोड़ दें है ना और यहां से जोड़ दें तो ये 90 ये 90 और इसको जोड़ दें तो फिर यहां पर आप कॉन्ग्रेंसी कर सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री आर आर मिल गया एच मिल गया एंड ये बराबर ये रेडियस हो गया है ना दोनों रेडियस हाइपोटेनस कोई एक साइड मिल गया और 90 डिग्री 90 डिग्री तो अब यहां पर आप कर सकते हैं ये बराबर ये एंड फिर ये बराबर ये है ना तो ये आप से करते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो दो प्रॉपर्टी हम लोगों को हर क्वेश्चन में बनाना है वो है एक 90 डिग्री का यूज करना है और लेंथ ऑफ टेंजेंट का इक्वल यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस चीज को ध्यान में रखना है ठीक है बच्चों तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिस पर आपका हमको लगता है कि सारे क्वेश्चंस बनेंगे है ना कुछ एक आध जगह जहां पर ये वाला एंगल का भी यूज करना पड़ सकता है लेकिन हमको लगता है कि आपके लिए टेंजेंट में अभी फिलहाल के लिए ये दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं एंड आप लोग प्लीज मेंशन करिएगा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का अभी मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पर ध्यान दें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल uh, भी अगर किसी भी तरह का एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में आपको बनाने में समझने में दिक्कत हो रही है परेशानी हो रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं कोई भी नया चैप्टर पढ़ाने से पहले आपके जो क्वेश्चंस uh, अगर ज़्यादा होगा तो प्योर उस सारे क्वेश्चंस पे हम लोग वीडियो बना के आपको पोस्ट करेंगे एंड हमारे हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पिछले वीडियोज़ का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो को लिंक डाल दू तो अब हम लोगों ने इसका किया आप साइंस में भी आप लोग का कोई भी चैप्टर वाइज अगर कोई टॉपिक है तो प्लीज आप मेंसन करिए चूंकि आप जब कोई कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करते हैं तो इससे हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है तो प्लीज मेंशन करिए अगर साइंस में चूंकि एक टॉपिक एक एक बच्चे ने अभी मैसेज भी किया था कि कार्बन कंपाउंड पे सर वीडियो बनाइए तो मैं जरूर कार्बन कंपाउंड पे भी बनाऊंगा बहुत ही अच्छा साइंस में तो काफी मजा आएगा आप लोगों को भी तो आप लोग टॉपिक वाइज है ना प्लीज टॉपिक वाइज आइए अगर पूरा चैप्टर को देखने का टाइम आपके पास भी नहीं है इंटरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि अगर आपने स्कूल में पढ़ा है अपने ट्यूशन में पढ़ा है कहीं भी कोचिंग में पढ़ा है तो अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपके लिए वो बोरिंग लगेगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है आपका जो अपना क्वेश्चन है आपका अपना जो प्रॉब्लम है है ना उसके लिए आपकी इंटरेस्ट भी बनी रहेगी और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस चैप्टर का नहीं डाले आप चैप्टर डाले कंटेंट डाले टॉपिक टॉपिक वाइज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसमें इस से मुझे लगता है कि आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोर्ड तो में आना एकदम तय होता है एकदम तय है। ये एक्सरसाइज पूरा ध्यान से बनाए किसी भी तरह से अगर आप कहीं से देखकर अगर आप बनाए हुए हैं आप कहीं पर जैसे मैं समझा रहा हूं और आप आ, कहीं से भी आ, मैंने बताया और आपने बना लिया और आज लगा कि नहीं सर की बात समझ में आ गई छोड़ दिया नहीं जब तक एक क्वेश्चन आपसे खुद नहीं बनेगा तब तक वो क्वेश्चन आपका अपना नहीं है बच्चों ठीक है ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपके द्वारा खुद से बन जाए वही क्वेश्चन आपका है और उसी क्वेश्चन पर आप बिलीव कर सकते हैं मैंने आपको कितना भी समझाया मैंने आपको कितना भी एक क्वेश्चन को समझा दिया लेकिन आपको उस समय लगेगा कि आपको समझ में आ गया अब आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैथ्स को कहा जाता है कि वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है आप जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से जितना बनेगा वही आपका अपना होता है तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख

आ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना पाएँ तो प्लीज़ लाइक करें प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेंशन जरूर करें आप अपनी प्रॉब्लम को ताकि मुझे भी लगे कि नहीं बच्चे से मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ मैक्सिमम बच्चे तक मेरी बात पहुँच रही है और उसको आ, मतलब बनाने में मुझे भी लगे कि नहीं वो व्यर्थ नहीं है है ना लेबर नेवर गोज इन भेन है ना मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है तो इसीलिए आपका प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताने में मजा आएगा नहीं कोई प्रॉब्लम है तब तो कोई फिर हमारा ये मेहनत भी आपके लिए फिर मेरे लिए इतना मेहनत करना आपके लिए बेकार हो जाएगा तो आइए बच्चों चलते हैं स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों इसमें मैक्सिमम बच्चे इसको भी थोड़ा भी भी आई कर लीजिएगा इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है ना पेज नंबर टू का क्वेश्चन नंबर एट जो ये दिख रहा है इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन दिख रहा है ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा है ना और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं एक क्वेश्चन है ए ये है बी ये है सी एंड ये है डी एंड यहाँ से एक अंदर में जो है एक सर्कल बना हुआ है एक अंदर में एक सर्कल बना हुआ है बच्चों और ये है हमारा दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज आर एंड यहाँ पे है एस यहां पे है P एंड यहां पे है Q क्लियर है बच्चों तो इसको हमें प्रूफ क्या करना है हमें टू प्रूफ करना है बच्चों हमें टू प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इसमें बेसिकली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझिए इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा आप जानते हैं कि ये क्या होता है बच्चों ये जो लाइन है इस तरह से जो लाइन होता है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको कहते हैं वर्टिकल एंड ये जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हॉरीजेंटल इसको क्या बोलते हैं हॉरीजेंटल हॉरीजेंटल तो बच्चों हॉरिजेंटल के लिए हम एच लिख लेते हैं वर्टिकल के लिए भी लिखते हैं तो इसका मतलब यहां पे वर्टिकल लाइन कौन कौन सा है एक लाइन है एडी है ना थोड़ा तिरछा उससे मतलब नहीं है ये

एस डी आर एंड डी एस मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट होंगे वो बराबर होगा. तो ये कौन सा लाइन है ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल डी आर एंड बराबर वर्टिकल में लिख दो डी एस ये हो गया उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम वर्टेक्स ए लिखते हैं फ्रॉम वर्टेक्स ए लिखते हैं फिर यहां पे देखो ये पॉइंट से दो कौन सा है एक इधर है एक इधर है तो ये लाइन कौन है दिस इज़ एंड ये कौन है वर्टिकल तो हॉरीजेंटल में लिखेंगे ए पी एंड इधर क्या लिखेंगे ए एस ये हो गया वर्टिकल फिर मैंने फ्रॉम वर्टेक्स बी लिया फ्रॉम वर्टेक्स बी लिया तो बी पॉइंट से फिर देखो हॉरिजेंटल कौन है हॉरिजेंटल कौन है बच्चों बी पी एंड वर्टिकल कौन है बी क्यू वर्टिकल कौन है बी क्यू एंड अब यहां पे पॉइंट लिया है ना फ्रॉम वर्टेक्स सी एंड सी से हॉरिजेंटल कौन है सी आर हॉरिजेंटल कौन है सी आर एंड सी क्यू कौन है वर्टिकल सी क्यू कौन है वर्टिकल अब आपको कुछ नहीं करना है एड कर देना है एड देम ऑल एड देम ऑल अब इसको एड करना है तो क्या हो जाएगा डी आर प्लस ए पी डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी एंड प्लस सी आर इक्वल टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा मैच करो डी आर एंड सी आर डी आर एंड सी आर ये दोनों जुटेगा तो डी आर एंड सी आर जुटेगा तो क्या बन जाएगा सी डी प्लस एपी एंड बीपी जुटेगा एपी एंड बी पी जुटेगा तो बन गया एपी एंड डी एस एंड ए एस जुटेगा डी एस एंड ए एस जुटेगा तो क्या बन जाएगा एडी एंड प्लस बी क्यू एंड सी क्यू जुटेगा तो क्या बन जाएगा बी सी आई थिंक यही प्रूव करना था तो बच्चों एक ट्रिक से हमेशा याद रखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए मैथ्स को बोरिंग नहीं बनाइए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस तो मैथ्स को बोरिंग नहीं बनाइए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है तो प्लीज आप उसको इंटरेस्ट बनाइए मतलब ऐसा लगे कि आप खुद का अपना भी कुछ कुछ आ, दिमाग लड़ा रहे हैं विजन उसमें डाल रहे हैं ठीक है ना तो प्लीज मेंशन करिएगा क्वेश्चन वगैरह है ना चूंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कम बना रहे हैं लेकिन आप जब मेंशन करेंगे क्वेश्चंस वगैरह मेंशन करेंगे तो काफी मुझे भी इंटरेस्ट लगेगा आपको फिर से आप, वीडियो बनाने का मन करेगा ओके गाइज विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइज एंड हैव नाइस डे स्वीट ड्रीम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त सायनारा बाय बाय सी यू सब्बा खान एंड गुड नाइट थैंक यू